सबको यह कहना चाहती हूँ, जो पहली बात तो सबको राधे राधे करनी है। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बट मैं अच्छा नहीं हूँ बिकॉज़ मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, मतलब 3-4 दिनों से ख़राब है कुछ ज़्यादा ही, और खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। और कल है न्यू ईयर, और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से भी। हाँ, और करण खा रहा है खाना यहाँ पे, इसने साग के अंदर घी डाल रखा है देखो, और ये मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है बार बार कि इसने तो घी डाल रखा और मैंने अपना तला वाला सब कुछ बंद कर रखा है, तो इस वजह से। तो गाइस, मैं ये सब कुछ नहीं खाने वाला, काफ़ी दिनों तक नहीं खाने वाला। और आज हमारे चाचा जान आ रहे हैं दिल्ली से वापस, तो अभी उनकी वेट कर रहे हैं हम लोग, पता नहीं कब तक आएंगे। आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि कितनी आवाज़ ख़राब हो चुकी है मेरी। इसको एसिडिटी बनी है, इसको कुछ सुझाव दें कृपया करके कि इसकी एसिडिटी ठीक हो जाए। सारा दिन उल्टा पुल्टा ठूसता रहता है, फिर कर रहा है शाम को एसिडिटी। कितनी बड़ी बात है ना कि हमारे चाचा जान मतलब कि न्यू ईयर पे हमारे घर पे आ रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है। देखो, तो मेरे ब्लॉग प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे थे, इसका रीज़न यही था कि तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा था यार। फिर आपको पता है कि पूरे ब्लॉग के अंदर खांसी 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 होती रहेगी, तो मज़ा नहीं आएगा देखने में ब्लॉग, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था। तो अभी थोड़ा सा मैंने दवाई ववाई प्रॉपर तरीके से ली है, तो थोड़ा सा ठीक बेटर फील कर रहा हूँ मैं, इस वजह से मैंने आज ब्लॉग भी शुरू कर दिया है फिर से। बाकी तो डे बाय डे हमारा चलता ही रहेगा, ऑल्टरनेट ब्लॉग ही आएंगे मेरे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा। उसका रीज़न यही है कि शॉप का भी होता है, आप सभी को पता है कि शॉप पे भी जाना और घर का भी करना पड़ता है, तो इस वजह से आप समझ सकते हो कि मैं अभी तक तो ये चीज़ मैं अभी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, बहुत जल्द ही हम यहाँ से कहीं भी शिफ्ट होंगे जैसे कि, तो वहाँ उसके बाद मेरे प्रॉपर ब्लॉग आने शायद शुरू हो जाए। अभी तो गाइज मुझे ये बताना था, बाकी उनकी वेट कर रहे हैं, अभी वो आएंगे थोड़ी देर तक। कितने बजे आएंगे? 8, 8:30, 9 बजे के करीब करीब वो आ जाएंगे घर पे। उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लेके आएगा, तरक्की लेके आएगा, और आप ग्रोथ करोगे डे बाय डे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी ट्रेड हो, आप लोग तरक्की करो उसके अंदर। ये मेरी दिल से दुआ है आप लोगों को, और मैं भी तरक्की करूँ। आप लोग जितना प्यार दे रहे हो यार, मैंने तो ब्लॉग से ही बता रहा हूँ, मैंने ना रेंडमली शुरू किया था, लेकिन आप लोग इतना प्यार दे रहे हो ब्लॉग को, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो लोग कमेंट नहीं करते ना, मेरे वीडियो वगैरह नहीं देखते थे, सीन नहीं करते थे, वो लोग भी मुझे बोल रहे हैं कमेंट के लिए, कमेंट के अंदर कि तुम ब्लॉग बनाया करो यार, बहुत ही ये चीज़ सुन के ना बहुत ही अच्छा लगता है। सो एक मोटिवेट हो जाता हूँ मैं इन सब चीज़ों से, और आप सभी भी, जाहिर सी बात है कि आप सभी भी होते होंगे, तो बस इसी वजह से मैं ब्लॉग फिर से शुरू कर देता हूँ। और आप सभी का प्यार ही है गाइस मेरे साथ, जो कि आज मैं 0 से अभी तक इस लेवल तक पहुँचा हूँ। और ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कितने लोग आपका ब्लॉग देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं। हाँ, जितने लोग देख रहे हैं वो दिल से देख रहे हैं, सही से देख रहे हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके साथ एक भी बंदा जुड़ा है और वो आपको सही तरीके से देख रहा है, तो ये चीज़ मैटर करती है, ये बहुत बढ़िया बात है। सो गाइस, खाना वाना तो हो गया मस्त सा, और अभी मैं लूँगा दवाई। उससे पहले मेरे कपड़े पड़े हैं परली तरफ, तो मैं वहाँ से पहले वो उठा लाता हूँ, क्योंकि हमारे चाचा जान आज हमारे घर पे चढ़ाई करने वाले हैं अपनी वाना सेना लेके। मगर क्यों? तो पहले मैं कपड़े ले आता हूँ वहाँ से, हफ्ते भर से मैं परली तरफ ही सो रहा था, तो आज मैं अपने कपड़े ले आता हूँ यहाँ पे, तो फाइनली आज मैं अपने घर फिर से सोऊंगा। अच्छा, सो गाइस, हमारे चाचा जान आ गए अपनी वानर सेना लेके। हम मैं दिल्ली से आए हैं, अभी अभी खाना खा रहे हैं, आके बैठे हैं, अभी खाना खाएंगे, उसके बाद कुछ देखेंगे। तो भाई तुम्हें ये आ गया एक छोटा सा चूहा, चूहा भैया। So guys, देख सकते हो बच्चे भी मेरे फैन हैं,
ब्लॉग देख रहे हैं मेरा ये रहा। और ये मेरे साथ मेरे दोस्त भी आ रहे हैं यार। तो बच्चे ब्लॉग भी देख रहे हैं और हम चाचा जान से पूछते हैं कि आज है न्यू ईयर होने वाला है, नया साल आने वाला है, तो कुछ कहना चाहोगे उस खुशी में? नया साल है, शनिवार को पड़ेगा। हाँ, कई परमात्मा सुख शांति साले का सही करे। हाँ और फील लेके बोलो कुछ, फील लेके नहीं। और ऐसे है अरे नई लोगों को खुशियाँ नए लोगों को खुशियाँ पुराने सब के सब बाढ़ में जाए, नए लोगों को खुशियाँ आए नए पुराने ऐसे तो ब्लॉग मेरा चार दिनों में बनेगा जाके। और बच्चों हाँ बच्चों को आशीर्वाद। एक बार मोजी खाने में भेजी है, कुछ नहीं बोलना चाहते। और ये भी आ गई, कुछ दिन पहले आई थी या फिर आ गई। इसका मन नहीं लगता वहां पे। सो गाइस मम्मी भी कुछ बोलना चाहती है। सबको ये कहना चाहती हूँ, जो पहली बात तो सबको राधे 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 राधे। दूसरी बात, जो बड़े हैं उनको सबको प्रणाम करूंगी, और जो हमसे छोटे हैं हमारे बच्चे हैं उनको सबको आशीर्वाद दूंगी, सबको बच्चों को हौसला प्यार मिले परमात्मा। और नई साल की बहुत घर में सबके घर में बड़ी खुशियाँ आवे, बहुत सारी खुशियाँ आवे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू 2022। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी अभी जस्ट उठाऊँ, मैंने मूवी नहीं धोया, तो सबसे पहले मम्मी के पास चलते हैं। एक बारी हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर गाइस मैं सभी के पास, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। ओए चुटकू बोल हैप्पी न्यू ईयर इधर तो आ। ओए मौसी के पास चलते हैं, नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो सबके लिए। बोल हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। अरे बात ही बोल लिया गाइस, बाय बाय। बोल हैप्पी न्यू ईयर गाइस, कर दे गाइस बाय बाय। अब ना तो हमारे चाचा जान तो यहाँ पे है नहीं शायद। ये रात से अभी अभी भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, ये देखो। न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर गाइस, न्यू ईयर बड़ों को, बड़ों को नए साल की मुबारक हो, बच्चों को प्यार। इस इंसान को जानते हो ना आप लोग। तो ये तो गए अभी स्कूल के अंदर, तो अभी मैं जस्ट उठाऊँ, अभी मैं मुंह बात होऊंगा सबसे पहले, और बाद में आपसे मिलूंगा थोड़ी देर बाद। सो गाइस चलिए रसोई के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही है। और हाँ देखिए मम्मी आज भी मम्मी बना रही है चाय का वक्त है, तो चाय बना रही है तेरे लिए। मरोठी सौंठ अदरक एक साल हो गया मम्मी, एक साल से रसोई के अंदर ही है। पप्पी बहू की तरह रसोई के अंदर ही काम करती रहती है। तो अभी फटाफट से मैं नहा लेता हूँ क्योंकि मेरा वक्त हो रहा है जाने का। तो भाई देवी आज शनिवार है, तो पंडित जी भी हमारे घर पे आए हैं, शनिदेव जी आए हैं हमारे घर पे। पंडित जी नए साल की बधाई हो आपको। सो गाइस नहा धोकर तो मैं रेडी हो गया हूँ और अभी निकल रहा हूँ बाजार के लिए, बिकॉज मैं लेट हो रहा हूँ, वहीं पे फोन आ रहे हैं दोस्तों के। तो चलिए गाइस चलते हैं अभी। और मौसम देखो यार कितना अच्छा हो रहा है, देखो क्या ही वेदर हो रहा है। घर से निकला था और निकलते ही देखो बच्चे हैप्पी न्यू ईयर कहने आ गए हैं मुझे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस बस से तो उतर गया हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं शॉप की तरफ। और हाँ एक बात बतानी थी आपको, आज हम लोगों ने ना लंगर किया है नए साल की खुशी के अंदर, तो हर साल ही करते होते हैं वैसे तो, लेकिन आज थोड़ा सा बड़ा किया है तो उस वजह से बस मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ रहा है। तो भैया हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दो यार सबको, हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस ये है अपने हकीकत राय जी की स्टैचू, तो इस पे माला पहना रहे हैं सभी लोग मिलके।
ये हर साल ऐसे ही होता है यहाँ पे, हर साल पहनाते होते हैं माला। और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे लंगर की तैयारी चल रही है, यहाँ पे लंगर खिलाया जाएगा सभी लोगों को। गाइस लंगर आ गया अपना, पर मैंने तो बस सिंपल सा लिया है, कुछ हलवा वगैरह नहीं लिया तो, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो बस सिंपल सा लिया है। और यहाँ पे देखो लंगर खा रहे हैं सभी लोग। सुबह लंगर हो गया है अपना, खाना खा लिया, लंगर खा लिया हमने। और अभी चल रहे हैं हम शॉप पे, और शॉप पे चल रहे हैं हम। सुबह 6:30 बज चुके हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैं शॉप से निकला था, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा सामान था लेना था, तो अपने दिल से कर रहा हूँ मैं, खुशी से जो भी कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ा सामान सा लेके, और जो होमलेस और हेल्पलेस बच्चे होते हैं ना, उनको हम थोड़ी सी अपनी खुशी के लिए थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। तो अभी पहले सामान लेते गए, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस बच्चों के लिए सामान वगैरह तो ले लिया हम लोगों ने, और अभी बच्चे की तलाश कर रहे हैं, हमें जैसे बच्चे मिलेंगे तो उनको धीरे धीरे हम लोग सामान देते चलेंगे। तो चल रहे हैं गाइस अब। हमें जितने बच्चे मिले तो उनको तो दे दिया, अभी और देख रहे हैं कि आगे और बच्चे मिलेंगे, तो लगभग हमारा पैकेट खत्म हो ही गया है। और हम ये हम लोग ना शौक के लिए नहीं कर रहे, ये हम तो बस अपने मन की इच्छा है कि हम बच्चों के लिए कुछ करें जो हेल्थ है, तो उस वजह से बस दिल से कर रहे हैं। अब कभी मत सोचिएगा कि हम लोग अपने शौक से ही कर रहे हैं। मैं बस स्टैंड आ गया हूँ, और ये वाली बस जाएगी, तो अभी चलने की वेट कर रहे हैं हम लोग। सो गाइस अभी अभी थोड़ी देर पहले घर पे पहुँचा हूँ, और मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, देखो अपने हाथ पैर वगैरह अच्छे से धो लिए हैं। और मम्मी है रसोई के अंदर, तो मम्मी क्या बना रही है रसोई में आज? मम्मी बनाई है बेटा आलू मटर गाजर की सब्जी आज। अच्छा आलू मटर गाजर की सब्जी बनी है, लेकिन मुझे भूख थोड़ी कम है तो मैं थोड़ा ही खाऊंगा। आज मैं अपनी पीने वाली दवाई भी घर पे भूल गया था, चलो कोई बात नहीं आप ही ले लूँगा। सो अभी मिलता हूँ गाइस मैं आपको खाने पे। खाना आ गया है ये रहा, तो फटाफट से खाना खा लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं गाइस आपसे। तो गाइस वक्त हो चुका है रात के 9, और खाना वाना खा करके टिपटॉप मस्त हो गए थे, और अभी मैं करूँगा वीडियो एडिट। उससे पहले मैं लूँगा भाप, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी जो तबीयत ख़राब हो उसके लिए। सो इसी बात पे होप करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलते हैं गाइस एक नए ब्लॉग के अंदर और साथ। और हाँ, आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो लव यू ऑल, टेक केयर।